साथ निभाते आए हैं। बाजू हटो बाजू हटो। पांडे भैया की जय। पांडे भैया की जय। पांडे भैया की जय। पांडे भैया की जय। नमस्ते मंत्री पांडे जी की जय। चुप हो जाओ। भगवान के घर में आकर तुम लोग किसी और की जय जयकार कर रहे हो? बुद्धि भ्रष्ट है। ये हमारे मिनिस्टर साहब हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पंक्ति में खड़ा करवाओ। मेरी इस तरह बेइज्जती करने के लिए यहाँ लेकर आए? मंत्री जी माफ कर दो, गलती है। पांडे, ऐसे मंदिर और तेरे जैसे सैकड़ों पुजारियों को देखा मैंने। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर मंगल आरती का टाइम बदल जाता है, और मैं जहाँ नहीं पहुँच पाता वहाँ से टोकरी भर के प्रसाद मेरे घर पहुँच जाता है। पंडित जी, आप क्यों इस तरह की कठोर बातें कर रहे हैं? मिनिस्टर साहब यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हमारे मंदिर को ज्यादा से ज्यादा फंड रिलीज करवा सकें। मंदिर को फंड दिलवाकर अगर उन्हें लगता है कि उनके सारे पाप धुल जाएंगे तो उनसे कह दो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। पहले तू ये तय कर ले कि तुझे यहाँ रहना है या नहीं। ये गंदी राजनीति करने वालों का पार्टी ऑफिस नहीं है, सच्चाई धर्म न्याय नीति का स्वतंत्र पीठ है। इस पीठ से ही हमारी इज्जत बरकरार है। हम इस पीठ की शान को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब भी हम अपनी योग्यता खो देते हैं तो ये पीठ नीचे उतार देता है। पंडित, मैं वो मंत्री हूँ जिसके पास 28 एमएलए का सपोर्ट है। तेरी बात नहीं मानने से सीएम की कुर्सी तक हिल जाती है, और ऐसे में मैं तुझे छोड़ दूंगा। जब तक ये पंडित इस मंदिर में रहेगा मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगा। तो पंडित जानता नहीं कि मेरी पावर क्या है। वो ये बिल्कुल नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। उसे ये भी नहीं पता कि कल पार्टी मीटिंग है। मैं सीएम से बात करके उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। मेरी बेइज्जती करने वाला वो पुजारी, वो परमेश्वर का बच्चा, अगर उसे भिखारी नहीं बनाया तो मेरा नाम भी पांडे नहीं। जी, आप इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? देखो, उस मंदिर का रख रखाव और पूजा पाठ जयदेव राम महाराज के जमाने से ताम्र पत्र में सुनहरे अक्षरों में उनके वंशजों को लिख कर दिया गया है। अपनी बकवास बंद करो। किसी जमाने में किसी ने लिख दिया तो क्या हुआ? आज इस देश में हमारा ही राज है। अरे, हमें मानना ही पड़ेगा। देखिए, ये सच है, हमारे देश को आजादी मिलने के बाद उस मंदिर को इंडोमेंटल में शामिल होने से रोक दिया गया। ये एक इतिहास में दर्ज हुआ पुण्य स्थल है, उसकी देखभाल वही करेंगे। इसकी इजाजत उन्होंने कानून से ले ली है। तो तुम लोग क्या चाहते हो? मेरी बेइज्जती करने वाले को छोड़ दूं, उससे बदला नहीं लूं? आपको इसके लिए कौन रोक रहा है? बस सही समय देखकर उस परमेश्वर पुजारी की गर्दन सर 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 काट कर फेंक दूंगा। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो पुजारी दोबारा उस मंदिर में नजर नहीं आना चाहिए, ये मेरा फैसला है। ठीक है ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो, आप चिंता ना कीजिए। मिनिस्टर के साथ आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया गुरुजी। देखिए, हर एक धर्म के अंदर ऐसे अहंकारी लोग होते ही है। पवित्र मंदिर के अंदर प्रवेश लेने से पहले अपने सारे अहंकार को छोड़कर प्रवेश करें तो ही 33 करोड़ देवताओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं। बिल्कुल सही गुरुजी, इस वर्ष का उत्सव भी जल्दी ही आने वाला है। जी हाँ, इस बार इस उत्सव का आयोजन बहुत धूमधाम से होना चाहिए। वो क्या है ना कि इस उत्सव में लाखों की संख्या में भक्त जन आने वाले हैं, उन सब के लिए भोज का प्रबंध भी उचित तरीके से होना चाहिए, किसी वस्तु की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है गुरुजी। ठीक है, अब आप लोग जाइए। शंकरा परमेश्वरा। लीजिए। तुम आज आरती में क्यों नहीं आई? आप जब शिव की आराधना करते हैं तब आपको सामने कुछ दिखाई देता है भला? आज एकादशी है, फल दूध कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं भाग्यवान, पता नहीं क्यों मन कुछ व्याकुल सा हो रहा है। क्यों जी, ऐसा क्या हुआ? मठाधीश की उपाधि का ये मेरा अंतिम वर्ष है, और यही सोचकर मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है भाग्यवान। उसके लिए तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? तेरे बाद तेरा पुत्र शिव प्रसाद है ना, ये याद रख। कब क्या होना है, किसे क्या बनना है, ये सब ऊपर वाला जानता है। आप कहे तो मैं शिव से इस बारे में बात करूं? अब क्या बात करना है उससे, क्या वो मेरी बात सुनकर उसका पालन करेगा? वो सब तो ठीक है, उत्सव में उसे आमंत्रित किया है कि नहीं? वो क्या है ना कि अमेरिका से उसे यात्रा का प्रबंध करके आना होगा। पिताजी, उसने बताया था मार्स प्लेनेट में सैटेलाइट लॉन्च करने का डेट नजदीक आ रहा है, अब 2 हफ्ते से फोन भी नहीं आया। मैं फोन करके देखता हूँ। अच्छा बताओ, तुमने शिवम को भी कहा है कि नहीं? हाँ, जब देखो तब एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का बहाना देकर ये देश वो देश भटकता रहता है। वो क्या एक्सपोर्ट करता है ये भगवान ही जाने। अब किसी एक स्थान में रहने वाले की
स्थिर पहचान रहती है, अब उसे हम फोन करें भी तो कहां, यहां वहां बवंडर की तरह घूमता रहता है वो। बिल्कुल, बहती नदी, तेज वायु, घूमती हुई भूमि, फैलती हुई आग, कभी भी एक ही स्थान पर नहीं रुकता है। वैसा ही है यह शिवम, सदा यात्रा करने वाला काल भैरव। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट कराने वाले मास्टरमाइंड अमनदुल्ला खान को सन 1985 में अरेस्ट किया गया था। उसके चंद दिनों बाद ही उसके संगठन के लोगों ने केंद्रीय सचिव की लड़की का अपहरण करके इस आतंकवादी की रिहाई की मांग रखी थी। इनके आगे सरकार को भी झुकना पड़ा था। रिहा होते ही पाकिस्तान जाकर कोरियन माफिया के साथ मिलकर हिंदुस्तान में ड्रग का कारोबार शुरू कर दिया। भारतीय मूल के एलेक्स नाम के एक डॉन के साथ सोने के धंधे के सिलसिले में जब उसने एक मीटिंग सेट की, उसी वक्त इंटरपोल ने अटैक किया, जिसमें अलेक्जेंडर भाग निकला और ये पकड़ा गया। मिस्टर अमनदुल्ला खान, आपके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उसके लिए आपको जमानत नहीं मिल सकती। इसके बावजूद आप रिहा होने के लिए सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं, इस बारे में आप कुछ कहिए। प्रेशर बनाने की मुझे जरूरत पड़े इतना कमजोर नहीं हूँ, और ना ही खुद को छोड़ने के लिए मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाया हूँ, उन्हें खुद छोड़ना पड़ा है। मुझे वांटेड लिस्ट में शामिल करने वालों से लेकर अरेस्ट करने वालों तक सभी को अभी से ठंडा बुखार आना शुरू हो गया है। जैसे मैं चाहता हूँ उसी तरह चलेंगे तो यहाँ सुख शांति के साथ रह सकते हैं, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। इतनी सिक्योरिटी यहाँ पर लगा रखी है इसलिए नहीं कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, बल्कि इसलिए कि भूल चूक से भी मुझे कोई तकलीफ ना हो जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर खून की होली खेली जाएगी। डबल गेम खेलकर चंद प्यादों को क्या मार दिया, ये मत समझना कि गेम इज ओवर, वो बाहर जरूर आएगा। द रियल गेम बिगिंस नाउ। बेबी, उसको बाहर लाने का काम मैंने ही किया है। नाउ ही इज नो मोर, खान गया कब्रिस्तान। तू एक लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूं तुझे, जी ले अपनी जिंदगी। अरे अरे रुको, क्या हुआ? तुम लोग अपने माथे से विभूति चंदन सब पहुंच रहे। लेकिन क्यों? वो पक्का नास्तिक की औलाद है, माथे पर विभूति या टीका देख लेगा तो चमड़े के साथ खरोच कर निकाल लेगा। ऐसा है क्या? हाँ। अहम् ब्रह्मास्मि, मेरे लिए मैं खुद भगवान हूँ। मुझे इस तरह से घूर क्या रहा है, बैठ जा। तुम जोर जबरदस्ती करके जिस जमीन पर कब्जा करना चाहते हो वो कोई बेनामी जमीन नहीं है, वो प्रॉपर्टी मंदिर के नाम है। बिल्कुल नहीं, उस जमाने में उस वक्त के महाराजा ने मेरी परदादी को तोहफे में लिख कर दी थी वो जमीन, और उसके बाद महाराजा के सामने ही तुम्हारी परदादी ने वो जमीन मंदिर के नाम कर दी थी। ए, ज्यादा होशियार मत बन, चुपचाप उस जमीन को फिर से मेरे नाम कर दे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। क्या कहा? अगर तुझे यहाँ से जिंदा घर लौटना है तो उसका एक ही रास्ता है, सीधे से वो जमीन मेरे हवाले कर दे, वरना अभी खत्म, अभी। मैंने इस पे साइन कर दिया, अब मुझे जाने दो। इसकी लाश ले जाकर एक गड्ढे में डाल दो और वहाँ एक नारियल का पेड़ लगा दो।
भूतनाथ जी, आपका नाम बिल्कुल सही है। माँ बाप ने सोच समझ कर रखा है। भाई, जब आप उसके सर पर नारियल फोड़ रहे थे तो हमारा दिल धक धक कर रहा था। भाई, आप इस तरह कितने नारियल फोड़ चुके हैं? कितने सर फोड़े उसका हिसाब नहीं है, तो नारियल का हिसाब कैसे रखूंगा? लेकिन एक बात जरूर याद रखना, हाल ही में जितने सर फूटेंगे उनमें तुम तीनों के सर शामिल होंगे। मेरी 40 एकड़ की जमीन में जो गौशाला है, कहा था उसे खाली करवाओ। वो काम छोड़कर तुम सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हो। अरे रे रे रे, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी इतनी जरूरत? भाई, कुछ दिन और इंतजार कर लो। मंदिर की सारी जमीन जायदाद को अपने हाथ में लेकर हम सबको नीचा दिखाने वाला वो परमेश्वर पुजारी है। लेकिन कुछ ही दिनों में वो उस कुर्सी से उतरने वाला है। देखो, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। क्या है ना, मैं नारियल फोड़ने के लिए बहुत उतावला रहता हूँ। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी जिम्मेदारी हम तीनों पर छोड़कर आप बेफिक्र होकर निश्चिंत हो जाइए। हम लोग सब संभाल लेंगे। गुरुजी, आपका संगीत सुनकर तो तालाब की मछलियाँ भी ऊपर आकर अपना नृत्य दिखा रही हैं। सभी विद्वानों के पास एक ही गुण होता है, लेकिन आप गुरुजी हर किसी की आवाज में कैसे गा लेते हैं? आप बहुत टैलेंटेड हैं। ये बात पूरा संसार जानता है। मुद्दे की बात करो। गुरुजी, आज आपको ढूंढते हुए एक बड़ा आदमी आया था। कौन था? उनकी लड़की की शादी में वो आपसे संगीत सम्मेलन करवाना चाहता है। तो कर देंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपने इससे पहले एक शादी में गाना गाया था ना, शोक संगीत, यहाँ कौन किसका है, बेरहम दुनिया है, इमोशनल गाने मत गाना वहाँ पर। उससे तुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्याह रचाकर घर संसार बसाने वाला लड़का आपका गाना सुनकर एक महीने के अंदर ही अपनी पत्नी को छोड़कर जंगल में चला गया। वही तो, मेरे संगीत में पावर है। पावर संगीत में नहीं, आपके पेट में है, भूल गया? उस मंदिर के जमीन और हमारे भूतनाथ के जमीन के बीच में गौशाला एक बाउंड्री की तरह थी। बिल्कुल, बिल्कुल। उल्टी सीधी तरकीबें आजमा के सारे जानवरों को कसाई खाना भिजवा दिया। सही ए, चल 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 चल। अत्याचार, महाअत्याचार, सत्यानाश हो जाएगा पापियों। जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल पाएगा। याद रखना, दूध देने वाली का रक्त बहाने वाले पापियों, तुम्हारा सत्यानाश हो सड़ी गली चीजों को खाकर पचाने वाले गिद्धतम। घोर संकट आने वाला है। तुमने जो जाल बिछाया है उसमें तुम लोग ही फंसोगे। लोग एक धूमकेतु तुम्हारे विनाश के लिए अब आ चुका है। क्या है बे, बीच सड़क पर बाइक खड़ी कर रखी है, उड़ा कर निकल जाऊं क्या? वो क्या है ना सर, आप जो जानवर ले जा रहे हैं ना उनमें मेरा भी एक बछड़ा है, छोटा सा, अगर आप उसे मुझे दे दे तो। उसे तुझे दे दूं? रोकड़ा रोकड़ा देकर खरीदा मैंने। सर, मेरी बात को समझिए सर। सर, बात कुछ यूं है कि अगर आपने उसे गंजा भी कर दिया तो भी आपके सर जितने बाल भी नहीं मिलेंगे आपको। सर, सच कह रहा हूँ, प्लीज सर, सर वो बछड़ा है सर, प्लीज सर, सर प्लीज मेरी बात मान जाइए सर, क्या कर रहे हैं? प्लीज सर, प्लीज सर मान जाइए, प्लीज सर। चल दूर रह, एक मिनट रुक जा। हाँ सर। क्या हुआ बेटा? मैंने छोना, हाँ क्या कहा? ये बात है? अच्छा छोना, उन्हें भी साथ में ले चलेंगे। ओके, ये क्या किया तुमने? एक को कहा था, तुमने सबको उतार दिया। हमने नहीं, सबको इसी ने उतारा है। ए, ऐसा क्यों किया? ए, दिखाई नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूँ छोना से। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। ये क्या पागलों के जैसे इससे बात कर रहा है? इसकी बोली तुझे समझ में आती है? ए, क्यों नहीं समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में आएगी। ये कह रहा है कि इसे माँ भी चाहिए। ए, अभी चल रास्ता ना आप। भाई क्या है ना, लगता है तुम भी अपनी माँ से बिछड़ कर लावारिस। मैं लावारिस नहीं हूँ। हाँ तो ये भी लावारिस नहीं बनना चाहता। ओ हाँ तो बोलो माता। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ तो ये बात है? ओहो ऐसा क्या, ठीक है मैं बात करता हूँ। ओके डोंट वरी। ठीक है इसकी माँ को भी ले जा। हाँ बात यह है कि हम दोनों के सौदे में एक छोटा सा चेंज आ गया। अब कैसा चेंज है भाई? माँ अकेली आने को तैयार ही नहीं हो रही है। तो फिर ये क्या चाहती है?
ये माँ ज्वाइंट फैमिली में पली बड़ी है, तो अब दीदी को, दादी को, नाना को, नानी को, काका को, काकी को, बुआ को, फूफा को, सबको ये अपने साथ ले जाना चाहती है। कंफ्यूजन ये है कि तुम इन सबको मुझे लौटाओगे या फिर नहीं। कह रहे हीरो, अपन को धमकी दे रहा है, अब तो अपन तेरे को ही कसाई खाना ले जाएगा, समझा? हाथ हटा बे। नहीं हटाया तो? क्यों बुला रहा है? वो मरकर जहन्नुम पहुंच गया है, रुक जाएगा क्या उसके पास? इन्हीं हाथों से तो जानवरों को काटता है ना, इन्हें मैं तोड़ देता। भूल गया कि उसका दूध तू पीता है और अब उसी को काटने जा रहा तू? हाँ, बेरहमे की हद पार करती है, इंसानियत नहीं है क्या? हाँ, अगर कल को तू बूढ़ा हो जाएगा तो तुझे भी कसाई को भेज दूं? कसाई को? चुप क्यों हो गया? ए, इसी गाय का दूध पिया ना तूने? तुझे तो इसका एहसान मानना चाहिए। याद रख, जो गाय है ना वो भगवान है और उसे मारने वाले। कान खोल कर सुन लो, शाम होने से पहले सारी गाय गौशाला पहुंच जानी चाहिए, समझे कि नहीं? दीपक राग से दीप चल उठी, मेघ मल्हार से वर्षा हो उठी। ये क्या है गुरुजी, आपका संगीत सुनकर लड़की ही प्रकट हो गई। hey, यही तो स्वर सम्राट का कमाल है। गुरुजी, नारी कसाई बन गई। hey, ये क्या कर रही है? इतने खूबसूरत चेहरे ने चालिक चंदी का रूप ले लिया। आज तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। छोड़ूंगी नहीं, इतनी लंबी दौड़ लगाई और वो भी हमारे लिए नहीं। सॉरी गुरुजी, हमसे मिस्टेक हो गई। अरे वो मर गया। पर आज तो शिवम की हत्या निश्चित है। क्या हुआ शिवम, कोई कुत्ता पीछे पड़ा है क्या? कुत्ते को तो मैं पत्थर मार के भगा देता, लेकिन यहाँ तो काली माँ चढ़ी साक्षात मेरे पीछे है। पुलिस, पुलिस, तुमने क्या समझ रखा है? एक ही बार में सिर से अलग कर दूंगी, समझो? बचाओ मुझे, शादी करके ही रहूंगी। ये क्या हुआ, जो हत्या करने गई थी वो विवाह की बात कर रही है? गुरुजी, क्या आपका ट्रैक क्लोज? अरे तू, तुझसे शादी कौन करेगा? तुझे पता है तू कैसी लड़की है? ना शर्म ना हया, ये कोयता लेकर तू सड़क पे मुझे दौड़ा रही है। गुरुजी, आपका ट्रैक ओपन। अंकल जी, आप इस लड़की को नहीं जानते, पता इसने दसवीं में क्या किया था? क्या किया था? इतनी शॉर्ट्स पहनकर पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी और मुझे नीचे बैठा दिया, आम जो चुराने थे इसे। शिव की सौगंध, काश तेरी जगह वहाँ पर मैं होता। कट जाए या जान चली जाए, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तू मेरा भले सर कलम करते, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कहा, किसी भी कीमत पे इसे शादी मत करना, अपनी जुबान पे कायम रखना। थैंक यू, आप इसे संभालो। क्या पापा, आप हमेशा उसी की तरफदारी करते हैं। अरे तेरी किस्मत अच्छी है, वो खुद शादी से इनकार कर रहा था, आज आया है कल चला जाएगा, छह महीने तक नहीं दिखेगा। वो कहाँ क्या करता है किसी को कुछ नहीं पता। ये लड़का तेरे लायक नहीं है, एक अच्छे लड़के से तेरी शादी करवाऊंगा, उसे भूल जा तू। शिवम के साथ इसकी शादी नहीं होगी। हाँ। अब आपकी लाइन के लिए। ऐसा क्या? तो फिर मैं बजाना शुरू करता हूँ। क्या? हारमोनियम। तुम लोग हमेशा सिर्फ डबल मीनिंग ही समझते हो। गुरु 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 गुरु, जरा रुको गुरु। ओ श्री कुमार, कैसे हो? टोपी पहनाने का बिजनेस कैसे चला? चुप हो जाओ गुरु, पुरानी बातों को तुमने अब तक अपने पेट में पचाया नहीं। ठीक है यार, अच्छा बताओ क्या काम है? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। ओ मुझसे? बोलो क्या। तुमने तो उस लड़की को ना कह के छोड़ दिया है। हा? तो मैं सोच रहा था कि ऐसे मौके पे क्यों ना मैं ही ट्राई कर लूं। तुम? अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो सोचा कि एंटर द ड्रैगन की तरह मैं उसकी लाइफ में एंट्री कर लूंगा। ठीक है, ओके ओके। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, वो लड़की महा डेंजरस है। ये जो तूने अपना एंटीना खड़ा कर रखा ना, इसे छुपा ले वरना नोच के बाहर निकाल देगी। ऑल द बेस्ट, जा, मैंने छोड़ दिया उसे। थैंक्स गुरु, टाटा गुरु। ओके, तुम संभालो उसे। चलो दीदी, सुना है शिवम लौट आया है। अच्छा, पता नहीं घर कब आएगा। जानती हो, भूतनाथ के साथ ट्रस्ट के सारे लोग मिलकर जानवरों को कसाई खाना भेज रहे थे। हे राम, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ हमारा शिवम पहुँच गया और उसने उन सारे जानवरों को बचा लिया। तुझे ये क्या माँ, जब भी आता हूँ तुम आरती उतारती हो। ओके ओके, इसे ले जाओ।
जाओ जाओ जल्दी नहा कराओ, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। खाने में तुमने हलवा पूरी तो बनाया ना? मुझे पता है तुम्हारी मनपसंद चीज क्या है, मैंने सब बनाया। वाह 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 वाह, इन हाथों से बनाया हलवा पूरी खाया मुझे अरसा हो गया, मैं 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है? जा। कैसे हो भाई? हेलो, हाय। हाय पवन, हाउ आर यू? हाय चाचू। ये लो इसे खोलो, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, ठीक है? थैंक यू। क्या बात है, मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए? बस परसों इसका एग्जाम खत्म हुआ और पापा ने कहा कि उत्सव आ रहा है तो आप लोग आ जाइए, तो हम जल्दी आ गए। गुड। तू लास्ट मंथ अमेरिका आने वाला था, तो आया था या नहीं कुछ पता ही नहीं चला? आया था लेकिन तुरंत लौट आया, तुमसे मिल नहीं पाया, सॉरी भैया। ये पहली बार नहीं है कि तू ऐसा कर रहा है। बेटा। हाय गॉडफादर, हाउ आर यू? दद्दू। अरे बेटा, मेरा बच्चा शिवम। कैसे हो दद्दू? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू ये बता कि तू सुबह आने वाला था तो इतनी देर क्यों हो गई? अब क्या कहूँ दद्दू, वो जो लड़की है ना, वो तो साक्षात काली का अवतार है, इतना बड़ा कोयता लेकर बिंदास होकर मेरी जान लेना चाहती थी वो। अरे बाप रे। ये क्या बेटा, तुम उसकी बुराई कर रहे हो, तुम तो उसकी जान हो। क्या कहा, जान हूँ? नहीं भागता तो बीच बाजार में मुझे टपका देती। हाँ वो तो अंकल आ गए तो मैं बच गया, अब ऐसी लड़की से कोई शादी करेगा क्या? मुझे अपनी जान प्यारी है। मतलब तुम्हें मंजूर नहीं है? करेक्ट। तो फिर ठीक है, ये बात याद रखना, चाहे जो भी हालात हो, जो बात तुमने आज कही है कल उस बात से मुकर मत जाना। ये क्या, अरे दद्दू ये तो ऐसे बोल गई जैसे इन्होंने पहले से सब रिकॉर्ड करके रखा हो। देखो जो रिकॉर्ड होता है उसे हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को तुम्हें नहीं देना है, ये बात उसके पिता ने मन में ठान ली है। क्यों, ऐसा क्यों? उनके होने वाले दामाद का गवर्नमेंट ऑफिसर होना बहुत जरूरी है, ये उसके पिता की शर्त है। तुम विदेश जाने का ख्याल छोड़कर यहीं रहकर कोई अच्छी सी नौकरी कर लोगे तो मैं किसी तरह उसके पिता को मना लूंगी। आपकी बेटी से शादी करने से बेहतर है कि मैं पूरी जिंदगी विदेश घूमता रहूं। क्यों शिवम? पापा कब आया बेटा? अभी अभी आया पापा। इस बार 10-15 दिन के लिए यहाँ रुकेगा या फिर से चक्कर गिनने का? पापा मेजर एक्सपोर्ट का काम निपटा कर आया हूँ। ठीक है ठीक है, इस बार कार्तिक उत्सव के बाद ही तुझे यहाँ से जाना होगा। पापा मम्मी के हाथ का खाना और आपके हाथ का प्रसाद खा कर ही जाऊंगा, ये फैसला करके आया हूँ। अच्छी बात है। हाँ माँ। अरे जल्दी आ, कब से बुला रही हूँ। हाँ आ रहा हूँ माँ, आता हूँ, माँ बुला रही। हमारे लिए क्या आदेश है बताते हैं? मेडिकल रिपोर्ट तो आ गई है लेकिन अभी एक खास आदमी का आना बाकी है। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। लगता है अपनी डेड बॉडी पर फूल चढ़ाने वाला पहला आदमी मैं ही हूँ। जब भी ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड हुए तुम रिस्क उठाकर मुझे सेव करते रहे, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें सेफ नहीं रख पाया। इसके लिए दिल से सॉरी मेरे दोस्त, तुम्हारी मौत के साथ मेरी आइडेंटिटी भी खत्म। ओह कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज क्यों हो रही हो स्नेक? यू आर टू प्रेशियस टू बी लॉस्ट। तुम्हारी मुलाकात हमेशा मुझसे ही होती थी, ये तो बस मेरा एक मोहरा था। मेरा दुश्मन एलेक्स मुझे नीचे गिराने के लिए कैसे कैसे प्लान बना रहा था मुझे पहले से पता है, लेकिन उसका फाइनल टारगेट क्या है ये जानने के लिए अपने डुप्लीकेट को उसके साथ मीटिंग के लिए भेजा था। उसने तो मुझे शमशान पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। सत्य आज तुम जिंदा हो यही बहुत है, कम लेट्स सेलिब्रेट। किस खुशी में? जो जेल के अंदर बंद था उसे बाहर निकाल कर पब्लिक के सामने मारा, इस खुशी में सेलिब्रेट करें या फिर मेरी आइडेंटिटी हमेशा के लिए खत्म हो गई इस खुशी में? जब तक मैं न चाहूं मेरे डुप्लीकेट के मौत की खबर लीक नहीं होनी चाहिए। मेरा दुश्मन मर गया इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं जिंदा हूं ये सनसनीखेज खबर एक साथ आएगी। एलेक्स को अमानुल्लाह खान का रेंज क्या है सिर्फ यही पता है, लेकिन इस खान का रिवेंज कैसा होता है ये अब मैं उसे दिखाऊंगा। देखो बेटी, संगीत में सब कुछ भुलाने की शक्ति है। संगीत सीखने से लड़की की इज्जत बढ़ती है। रिश्ते की बात करते समय लड़के वाले लड़की को गाना आता है कि नहीं ये पूछते हैं, ना बोलने पर नाक कटती है। संगीत सीख लोगी तो विवाह भी हो जाएगा और शिवम को भूल भी जाओगी। चलो मंगनी की बात करने के लिए लड़के और उसके पिता पूरी रस्म के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। अभी गधे के बच्चे। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते शंकर भैया। अंकल जी। अंकल नहीं तो क्या दादा बोलूं? नहीं श्रीमान, हाइट और साइज छोड़ दें तो हमारी और तुम्हारी उम्र लगभग एक ही है। अरे श्रीमान जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी तो शादी लायक एक जवान पुत्री है और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। वाजपेयी जी और अब्दुल कलाम जी भी अभी तक कुंवारे ही हैं। मुझे बात आगे नहीं बढ़ानी है। वैसे आप यहाँ कैसे?
आपको रस्म की थाली नहीं दिख रही है क्या? आ, जो, 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 जो। अरे वो तो दिखाई दे रहा है। ऐसे शुभ काम के लिए शुभ मुहूर्त देखकर आना चाहिए था ना। शुभ मुहूर्त देखने का टाइम नहीं था। अब आप जल्दी से हमारी बेटी को संगीत सिखा दीजिए श्रीमान। ये खड़ी रहती है तो बिल्कुल सितार जैसी लगती है। और बैठे तो तानपुरे की तरह लगती है। ये लीजिए श्रीमान गुरु दक्षिणा। अच्छी तरह संगीत सिखाइए। आप फिकर मत कीजिए, आपकी बेटी को संगीत में पूरी तरह डुबोकर बाहर निकाल दूंगा। अम्मा जी, सिंह जी, शंकर जी, ये सभी लोग मेरी साधना से प्रसन्न होकर मुझे इनाम दे चुके हैं। तो तुम मेरे पास संगीत सीखने का मन बना चुकी हो ना? ये दो गधे पिछले 3 सालों से मुझसे संगीत सीख रहे हैं और 3 सुर तक नहीं सीख पाए। कुछ सिखाएंगे तभी तो सीखेंगे ना। अच्छा, 5-6 साल पहले यही स्टेशन के बाहर नुक्कड़ पर तुम नारियल पानी बेचा करते थे। इतनी जल्दी इतनी कामयाबी कैसे? संगीत की साधना करने के लिए मैं हिमालय पर्वत में जाकर आलाप करते 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 थक कर मैं वहीं सो गया था। व्हाइट और व्हाइट ड्रेस में फिर सरस्वती हाथ में वीणा लेकर प्रकट हो गई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि बोलो कितना अमाउंट चाहिए तुम्हें बच्चे? गुरु जी, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। एजुकेशन देने वाली क्या कैश नहीं दे सकती है गधे? तब मैंने कहा कि मुझे संगीत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने लंबी जबान निकाली और बीज मंत्र मेरे मुंह में फूंक दिया। तो था कवि सम्राट कालिदास की कहानी लग रही है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुमसे अच्छी तरह म्यूजिक सीख कर मैं उसे खुश कर दूंगी। किसको? मेरे शिवम को। तुम उस शिवम को खुश कर सकती हो या मैं तुम्हें खुश करके जीतता हूँ ये तो वक्त ही बताएगा। ये देखो यहाँ अकेला बैठा है, अब मैं अपनी चाल चल देता हूँ। कैसे इंसान हो यार तुम, ऐसे गुर्रा रहे हो जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा है। इतनी बुरी आवाज भी नहीं थी यार। और नहीं तो क्या, पास आकर घर घर गेंडे की तरह गुर्रा रहा है। ये 3 पैक का असर है ना। पैक का असर है क्यों बे? भवानी ने अब तक तेरी मांग नहीं भरी क्या? वो तो किसी भी दिन भरवा लूं। हाँ। लेकिन उसके बाप के दोनों पैर मेरी छाती पे पड़े हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? कल उस लड़की को देखने कोई लड़का और उसके घर वाले आ रहे हैं भाई। हाँ, लेकिन मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? अब तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है ना भाई। तो अब तेरी मांग मैं भरूं क्या? मेरी मजाक क्यों उड़ा रहे हो, फटाक से कोई आइडिया दो ना। देखो, मैं और भवानी बहुत अच्छे लवर्स हैं। देखो दोस्ती के बीच में दरार आ जाएगी। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। माना हम दोनों लवर्स हैं, लेकिन वो लड़की तुम्हारी होगी। अब तुम कुछ मतलब की बात कर रहे हो? हां, अब मेरा आइडिया सुन। तो मेरी और भवानी की गांव के हर दीवार पे तस्वीर बना दे, बस उसे लड़का देखेगा और गुस्सा होकर भाग जाएगा। जा तू ये कर। अगर तस्वीर बनानी ही है तो मेरी और उसकी क्यों ना बनाओ। तो जा वो कर ले, लड़का आकर देखेगा तो मजाक समझेगा वो और लड़की को शादी करके ले जाएगा। जा 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 तू कर ले। नहीं नहीं गुरु, मैं तुम्हारी ही बनाता हूँ। गुरु मुझे आशीर्वाद दो ना। तेरे एंटीना की कसम शीघ्र ही तेरा विवाह संपन्न हो तथा। अपनी बच्ची की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो लाखों में एक है। बड़ों के आगे तो सर नहीं उठाती, डिग्री पास कर चुकी है, बहुत अच्छा गाती है। अरे यही तो है उसके गुरुजी। छोटी उम्र में बूढ़े को इसकी शादी करवाने की जरूरत क्या है? गुरुजी उसकी शादी की तैयारी कर दो, ये बात आप ही ने कही थी। उसकी शादी मेरे साथ करवा देगा यही सोचकर मैंने उससे कहा था। गुरुजी ऐसा कभी हुआ है कि आपका प्लान कभी काम किया हो? हाय, नमस्ते 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 दोस्तों। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते टोपी जी। तुम इकलौते यहाँ क्यों आए हो? मम्मी पापा को नहीं भेज सकते थे? अंकल क्या बात कर रहे हैं, आप मेरे इकलौते अंकल हैं, आपकी एक इकलौती बेटी है, इसलिए मैं भी इकलौता ही आ गया। ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। गली गली में इनके पोस्टर छपे हैं। ए पार्वती, बच्ची को लेकर आओ, पता नहीं अब कौन सा बुरा काल आने वाला है। इन्हें भी मैंने कहीं। अच्छा, ये क्या किया? मनहूस। पापा क्या है? लगता है इस लड़की को भी मैंने कहीं देखा है। इसमें शक्कर तो बराबर से मिलाई है ना? हाँ मिलाई है। हाँ। लेकिन मिक्स नहीं की है। तो करो जाने मन, मिक्स करो। हाँ। ए जी, हाँ। मेरी फिंगर छोटी है। ठीक है तो लाओ मैं करता हूँ। ओके। ये तुम सबके सामने क्या कर रहे हो? ये अपना मुंह बंद कर, मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ। हुआ? इस गांव की हर एक दीवार पर इन दोनों की तस्वीरें मैंने देखी है। अब सब कुछ खत्म हो गया पापा। अरे ये तो क्या कह रहा है? जहां उंगली घुमा रहे हैं ना वैसे हमें भी घुमा रहे हैं। दूध में किसी भी कीमत पर मैं इस बी ग्रेड मूवी से शादी नहीं करूंगा। चलो पापा। एक मिनट, मुझे बी ग्रेड मूवी का? अबे मैं ब्लॉकबस्टर मूवी हूँ, तुम मुझे रिजेक्ट करोगे? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ। ओ जी चलिए यहाँ से। अरे चलो जी। अरे अरे रुकिए। अरे अंकल आप बेकार का टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये वो पिक्चर है जो डब्बा है, रिलीज नहीं हुई।
लेकिन आपकी लड़की का उसका तो सिल्वर जुबली होने वाला है, सुपर हिट लड़का मिलेगा उसे। हाँ मेरा काम तो हो गया, ठीक है। शिवम के आते ही मैं समझ गया था कि ये रिश्ता कभी हो ही नहीं पाएगा। आप हताश मत होइए, कोई समाधान निकाल लेंगे। आप कुछ कहना चाहते हो क्या? आपके तेवर बदले बदले लग रहे हैं। दीवारों पे तस्वीर बना के रिश्ते बिगाड़ता है। गुरु रुक जा गुरु। क्यों क्या बात है? हाँ ओहो तुम्हारा ससुर तो तुमसे अच्छा आर्टिस्ट है, दोनों गालों पर क्या पेंटिंग बनाई है। गुरु तस्वीर बनाने वाला मैं हूँ और तस्वीर बनवाने वाले तुम हो, तो ये बात लड़की के बाप तक कैसे पहुंची, जरा ये समझाओगे मुझे? रात दिन मेहनत करके तुमने बहुत ही बढ़िया तस्वीरें बनाई हैं। तुम्हारी ये कला जगत प्रसिद्ध होने वाली है। आठ बार श्री कुमार लिखकर सब दूर ऑटोग्राफ बना दिया है, कैसा है? तुमने तो मेरा नाम प्रसिद्ध कर दिया। तू मुझे बता, उस लड़के ने तुझे रिजेक्ट क्यों किया? उसकी आंखें ठीक नहीं थी क्या? ओहो उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए ऐसा किया। क्यों? गांव की दीवारों पर मेरी और शिवम की जो आड़ी तेरी तस्वीरें बनी थी वो उसने देख ली थी। वो किसने बनाई? और कौन बनाएगा? शिवम ने? हाँ उसी ने। वो है ना मुझे बहुत चाहता है इसीलिए ऐसा किया, लेकिन वो कभी जताता नहीं। आखिर वो अपने प्यार का इजहार मुझसे कब करेगा पता नहीं। लगता है वो आ गया है, मैं उसका मुँह खुलवाती हूँ, छुप जा तू। ठीक है। माँ इतनी जोर की भूख लगी है कि पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। ओहो ये क्या माँ हॉट वेदर में काली साड़ी पहन रखी है, क्या बात है माँ आज इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं सीरियस हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, क्या सच बताओगे? माँ मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे कभी झूठ बोला है तो क्या? फिर ये बता, गांव की दीवारों पर तेरी और भवानी की ऐसी आड़ी टेढ़ी तस्वीरें किसने बनाई? बनाई है उस मोटू श्री कुमार ने और बनवाई है मैंने। किस लिए? ताकि भवानी की उस लड़के से शादी न हो सके। ऐसा करवाने से तुझे क्या मिलेगा? मुझे भवानी मिलेगी और क्या माँ। मतलब वो तुझे पसंद है? ये क्या माँ बेटे से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। ए तुझे पसंद है या नहीं? हाँ पसंद है। हाँ मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोल। भवानी मुझे बहुत पसंद है। तो फिर गधे उस बच्ची को तू जानबूझकर क्यों सताता है? देखो माँ ऐसा है कि अगर मैं उसे चाहता हूँ ये उसे पता चल गया तो मेरी शादी से पहले ही तुम दो तीन बच्चों की दादी माँ बन जाओगी। सुनो ना तुम्हारी कई बातों को सच साबित कर दी क्या? माँ बचाओ। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, चाहे जो कर लो मैं अब तुमसे दूर नहीं होने वाली। अब कहाँ जाओगे मेरे सोना? मैंने अपनी सेफ्टी के लिए अपने डुप्लीकेट को रखा था, लेकिन उसने डुप्लीकेट को मारकर ओरिजिनल को ही डमी बना दिया। कोई भी सिर्फ मेरे फोन कॉल पर भाई का आदमी आ रहा है ये कहकर सारे काम काज छोड़कर मेरा काम पहले करता था, लेकिन आज जब मैं खुद फोन कर रहा हूँ कोई फोन उठाने को तैयार ही नहीं। किधर है वो एलेक्स? तुम लोग चारों तरफ उसे ढूंढ रहे हो लेकिन उसकी खबर ही नहीं। देखो मुझे वो चाहिए मुनीर, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे वो चाहिए, समझे? ठीक है भाई। याद रखना वो पाताल में भी छुपा हो तब भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। तुम ये गांव छोड़कर बाहर गए ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जहाँ भी जाओगे वहीं आ जाऊंगी। मैं कहाँ रहता हूँ ये मुझे नहीं पता, तो फिर तुम कहाँ ढूंढती फिरोगी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जल्द से जल्द शादी की ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर वन, मेरे पापा को तुम्हारी सूरत पसंद नहीं है। प्रॉब्लम नंबर टू, ऑलरेडी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर थ्री, वो भोपले का प्रॉब्लम, पुराने खंडहर का फिलर। वही ना वो मोटू, वो प्रॉब्लम नहीं वो तो अच्छी बात है। उस प्रॉब्लम का बनाऊंगा मैं लव ट्रायंगल और कर दूंगा फिनिश। आज से आपका खाना पीना सब बंद, आज के बाद सिर्फ गाना बजाना। जिस चिड़िया के पीछे आप थे ना वो तो पुर्र करके उड़ने वाली थी, वो तो सही वक्त पे आकर शिवम ने मदद की तो वो नहीं उड़ पाई। इस खुशी के मौके पर एक गाना हो जाए। अच्छा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम दोनों के बारे में बात करनी है? हम दोनों की पर्सनल बात है इसलिए इन दोनों को तबला ढोला उठाओ और रवाना हो जाओ। चलो चलो जान बची, चलो डाउन डार्लिंग। ओहो ओहो गुरु
कल उस शिवम अंकी ने मुझे गुड न्यूज दी कि वो शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर रहा है। रात को जब मैं सोई थी तब एक मोटा सा चेहरा मेरे सामने आया जो मेरे मन को भा गया। फोकस करने के बाद जब मैंने देखा तो वो आप थे। क्या मैं था? और उसके बाद मुझे सच्चाई का पता चला, यही कि मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। चोटी के एंटीना को इतना ना हिलाओ, रिसेप्शन हिल जाएगा। नॉटी। आपसे एक सवाल पूछूं, क्या ये आपके चेहरे का जादू है जो मैं पिघलकर पानी पानी हो जाती हूँ? ऑफ कोर्स। आई हैव डिसाइडेड, आई लव यू। व्हाट्स नेक्स्ट? अब आप आकर मेरे पापा से हमारी शादी की बात कीजिए। ओके स्वीटी। भवानी अब तक घर नहीं आई है, शादी के लायक हो गई है, फिर ये म्यूजिक सीखने की क्या जरूरत? सोचा था संगीत सीख लेगी तो अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन वो उसे तो लाज शर्म ही नहीं है तुम्हारी वजह से। ऐसा उसने क्या कर दिया? क्या कर दिया, जब भी कोई आता है गाय की तरह सिंग मारने दौड़ती है। मेरे जीते जी पता नहीं उसकी शादी होगी कि नहीं होगी। मरने की बात क्यों करते हो पापा? आपको इतनी जल्दी मरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने लिए लड़का सेलेक्ट कर चुकी हूँ। किसे? उसे शिवम को। छी, उससे शादी कौन करेगा, ना उसका सुर अच्छा है और ना ही वो संगीत जानता है। बिल्कुल सही कहा, अच्छा हुआ तेरे दिमाग से उसका भूत उतर गया, मैं बहुत खुश हूँ। वो लड़का कौन है बोल? अपने म्यूजिक टैलेंट से सबके दिलों का टैलेंट बना हुआ वही मेरा फेमस म्यूजिक गुरु, श्री सात सुरों का मालिक यानी सम्राट, मेरा दिल जीत चुके हैं। अरे फूटी किस्मत हमारी, ये बच्चे अपना बचपना कब छोड़ेंगे? बड़ों की इज्जत को भरे बाजार में नीलाम करते हैं, आप ही की वजह से हुआ है, इसके जिम्मेदार आप ही हैं। तुम किसे कह रही हो? बता रही हूँ मैं आपको और सुना रही हूँ इसे। पर माँ मैं कमिट कर चुकी हूँ, अब क्या करूँ? अरे रे रे, ये तो क्या कह रही है, गलत मत समझो, मैं सिर्फ शादी करूंगी ऐसा ही कमिट किया है। तुम्हें उसने क्या दिखाई दिया बेटी? प्यार अंधा होता है पापा, वो फुल साइज बलून है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल वो शादी की बात करने आ रहे हैं, पापा आप रेडी रहना, माँ तुम भी रेडी रहना, दामाद जी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया सिलेक्शन है, अब फैमिली पोर्ट्रेट कैसा होगा ये भी देख लो। ए पार्वती, हमारे तो नसीब ही फूटे हुए हैं, किसी तरह खाई से बचे तो सामने कुआं आ गया, अब ये विक्रम क्या करे? ये तो बेताल ही जाने। आपने मुझे अपने साथ लाकर यहाँ क्यों बिठाया है पापा? वो मेरे लिए घर में आकर इंतजार कर रहे होंगे। अरे मैं ये नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ लेकर आया हूँ, तू चुप बैठ। अरे ये अमंगल मंगल आरती के समय यहाँ कैसे आ गया? अरे इसे यहाँ किसने बुलाया? इन्हें यहाँ मैंने बुलाया है पापा। क्या कर दिया तुमने? चलो भागो यहाँ से। पापा रुको ना पापा, एक मिनट। क्या बात है श्रीकांत अंकल, यहाँ कैसे? क्या कहा अंकल? और नहीं तो क्या तुम्हें दादा कहूँ क्या? हेलो, मैं तुम्हारी लड़की का पति, तुम्हारा दामाद। मेरी लड़की का पति नहीं, तुम काला कोयला हो। हाथ दिखाकर बात मत करो, कल इन हाथों से मेरा पैर धोकर कन्यादान करने के बाद अक्षत डालेंगे मेरे सिर पे। अक्षत मैं तेरे सर पे नहीं डालूंगा, तेरे लाश पे डालूंगा, तुझे जला दूंगा। सुन लो, इन दोनों की शादी हरगिज नहीं होगी, ऐसा करने से पहले तुम्हें मेरी मर्जी जाननी होगी। तुम्हारी मर्जी जानकर क्या करना है मुझे? शादी करने वाली लड़की राजी है, हम दोनों शादी के लायक है, तो फिर सोचना कैसा? क्या कहा, इससे शादी करोगे क्या यार? नहीं नहीं, ये अब तक शादी के बिल्कुल लायक नहीं, जबकि तुम तो शादी की उम्र पार कर चुके हो। सच में देखो भवानी, इसे तो तुम्हारी बेटी क्या हुआ? छोड़, अरे ये कौन सी लैंग्वेज है? जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज मुझे नहीं आती, चल मेरा हाथ छोड़। गुरु अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? वो मेरी अकल, मेरी शक्ल और मेरी पर्सनालिटी पे नहीं मर मिटी है गुरु, वो तो मेरी वॉइस पे मर मिटी है गुरु। वॉइस पर? हाँ। अबे गेंडे, तुझे क्या लगता है कि तेरी वॉइस किस पर है? मैं नहीं जानता। ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये है ना गीत माला, लोक गीत, भक्ति गीत, वेस्टर्न सॉन्ग, सब कुछ इस वॉइस कंट्रोल म्यूजिक प्लेयर पर भर के रखा। जरूरत के मुताबिक सॉन्ग प्ले करके उसके साथ लिप सिंक करके तू लोगों को टोपी पहनाता है। तेरे पेट पे बंधी है आईपॉड टेक्नोलॉजी, चोटी में लगा हुआ ये जीपीएस एंटेना और कान में मिनी स्पीकर बूम बैग्स, इन सब से तू लोगों को बेवकूफ बनाता है। ए, अगर ये बात मैंने उसे बता दी तो सोच तेरे साथ क्या होगा, पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। सोच ले उसके बाद तेरा धंधा भी चौपट हो जाएगा, भिखारी भिखारी की तरह तू दर दर की ठोकरे खाता फिरेगा। नहीं नहीं गुरु प्लीज, रोजी रोटी के लिए ये सब कर रहा हूँ, ऐसा मत करना, इस राज को राजी रहने दो ना प्लीज। जिंदगी प्यारी है कि मोहब्बत प्यारी, पहले ये फैसला कर ले। जिंदगी प्यारी है, वैसे मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ। फिर मैं बता देता हूँ मुझे क्या। नहीं गुरु, जान है तो ही जान है। चलो, वो क्या है ना अंकल जी,
ये तो अभी छोटा सा बच्चा है, इसकी उम्र ही क्या है, और संगीत में तो बहुत ही साधना की जरूरत होती है। अगर अभी से इसकी इससे शादी हो गई तो फिर इसकी साधना पूरी तरह भंग हो जाएगी, ये ख्याल इसको आया है ना? जरा बता दे देवी, आज के बाद हम दोनों का रिश्ता गुरु और शिष्य का है। तो फिर मेरे प्यार का क्या होगा? मेरा ये हाल करने वाला ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। अंकल जी, तो फिर शादी के इरादे का क्या हुआ? गेम सक्सेस। पांडे भाई, हमारा वो 20 एकड़ जमीन वाला काम जो अटका है उसे पूरा कर दो ना भाई। तुझे बैठे बैठे वही याद आया है क्या? समझ हो गया, अब टेंशन मत ले। ये बताओ कि नई खबर क्या लाए? पांडे भैया जी, मंदिर का उत्सव नजदीक आ रहा है। हर साल आपके दिए हुए डोनेशन से ही आसपास के 10 गांवों को बुलाकर पेट भर भोजन का प्रबंध आज तक करते आए हैं। उस मंदिर में फूटी कौड़ी नहीं देने वाला मैं। मुझे मंदिर में आने से मना किया उसने। सैकड़ों लोगों के सामने मेरे दिए डोनेशन को उस पुजारी ने धिक्कारा था। मंत्री जी, ये कार्तिक महीना ही उसके लिए आखिरी साल है। बिल्कुल। इसके बाद वो रिटायर होकर घर के सामान की तरह कोने में पड़ा रहेगा। उसके बाद मंदिर का सारा रखरखाव हमारा ही होगा। सही कहा। देख लीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पर याद रहे कि ये उस परमेश्वर पुजारी का आखिरी उत्सव होना चाहिए। अरे बहू, ये शिवम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कोई जरूरी काम है कहकर कल रात को ही वो विदेश चला गया है बाबूजी। शिबू, मुझे तुमसे खास विषय में बात करनी है। बोलिए पापा। वो बात ये है, परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से हमारे हाथों से होते आया है ये प्रधान मठाधीश का कार्य निर्वाह करने का इतिहास, उसके देखभाल और महत्व के बारे में तुम अच्छी तरह से परिचित हो। जी हाँ पापा। मेरे पिता अपने कार्यकाल में इस जिम्मेदारी को पूरी श्रद्धा के साथ निभाते आए थे, उनके बाद मेरा चुनाव हुआ। लेकिन आज 40 वर्षों बाद आने वाले महाभरणी नक्षत्र के मुताबिक आने वाले समय के लिए मैं रिटायर हो रहा हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 अंशों को लेकर सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन सभी से कर्म सरणीय भेदानुभव अंतः आत्मा से प्राप्त होता है। इसलिए बेटा, मेरे बाद ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते तुम्हें इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। ये क्या पापा, आपको नहीं लगता इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे एक बार पूछना चाहिए था? आपका काम जैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मेरा काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपका ये कार्य नहीं कर सकता पापा। ये सिर्फ कार्य नहीं है, सेवा है। सदा भगवान की शरण में रहकर सेवा करने का महत्वपूर्ण कार्य है। पापा, मेरी ये नौकरी मुझे महीने में करोड़ों रुपए कमा कर देती है, उसे छोड़कर मैं यहाँ पर पूजा, पुरस्कार, अलंकार, अभिषेक करते हुए, ये तीर्थ मंगल आरती करते हुए छुट्टे पैसे कमाऊं पापा? बकवास बंद कर, बहुत हुआ। पूजा अनुष्ठान के प्रति इतनी घिरी हुई बातें कर रहा है परमेश्वर। देखो शिबू, तो जो भी काम करता है करोड़ों रुपए की कमाई होती है, लेकिन ये सब सपनों का फल है। लेकिन भगवान की सेवा फल की उम्मीद किए बिना भक्ति भावना से होती है। संकट निवारण करने वाले भगवान की शरण में जो भी आता है उसके प्रति सर्वे जना सुखिनो भवंतु कहकर अर्चना करने का सौभाग्य तुम्हें अपने आप मिल रहा है बेटा। जो कार्य तुम इस वक्त कर रहे हो वो कोई भी कर सकता है। तेरे जैसा साइंटिस्ट हरेक गांव में हरेक गली में मिल सकता है। लेकिन गर्भगृह में भगवान को छूकर पूजा अर्चना अलंकार करने का सौभाग्य करोड़ों जन्मों के पुण्य फल के स्वरूप ही मिलता है। ऐसे शुभ अवसर को यदि तुम खो दोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। पापा प्लीज, मुझ पर ज्यादा प्रेशर मत डालिए। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला पापा। भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो शिवू। तुम्हारे ना कहने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा बेटे, परंतु पुरखों से चली आ रही ये पुरानी परंपरा हमारे वंशजों के हाथ से चली जाएगी। तुम भी ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ? आज मैं आपकी बातों में आकर गलत कदम उठा लूंगा तो कल पश्चाताप भी मुझे ही करना पड़ेगा। कैसी पश्चाताप की बातें कर रहा है तू? आज तू, तेरी पढ़ाई, तेरी नौकरी, तेरी तरक्की, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी तू खा रहा है तो वो सब भगवान शिव के आशीर्वाद से ही है। ऐसे शिव की पूजा आराधना करने से तू इनकार कर रहा है, मूर्ख कहीं का। पापा, आप जिस शिव पूजा की बात कर रहे हैं उस पूजा को मैं ना करूं ये भी पुरखों की मर्जी हो सकती है। पुरखों, परंपरा और उत्तराधिकारी के नाम पर आप मेरी बलि चढ़ा रहे हैं पापा। दादा के बोए हुए बरगद के पेड़ पर मैं फांसी पर चढ़ जाऊं क्या? शिबू, जिन 9 ग्रहों की पूजा करने की बात कर रहे हैं उन 9 ग्रहों के साथ मैं अपने लैब में रोज खेलता हूं पापा। भगवान के लिए मुझे बख्श दीजिए, बार बार एक ही बात,
ये पूजा पुरस्कार धर्म ये सब आपका काम है, मुझे ये सब नहीं समझ में आता और ना ही मैं करना चाहता हूँ। एलेक्स, सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑन योर हॉलिडे। खान के साथ उसके पूरे गैंग को फिनिश करके तुम्हारे इंडिया जाने के बाद यहाँ ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट के हिसाब से बड़े पैमाने पर फिर से ट्रक का धंधा शुरू हो चुका है। इस बार इस धंधे को किसी और ने टेक ओवर किया है, उसे खत्म करने के लिए ही तुम्हें यहाँ फिर से बुलाया गया है। माफिया नेटवर्क कुछ अलग तरह से काम करता है। किसी और धंधे में जब नंबर एक का आदमी नीचे आता है तभी दूसरे नंबर का आदमी उसकी जगह पर पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर इंतजार नहीं किया जाता बल्कि बंदूक की नोक पर जगह हासिल की जाती है। जो पहली गोली चलाता है जीत उसी की होती है, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाला और जहन्नुम भेज दिया। खान की जगह खाली होने के बाद नेटवर्क का फिर से इतने थोड़े समय में चालू हो जाना इसका सिर्फ एक ही मतलब है, कोई और है जो खान की जगह पर पहुंच चुका है। यास्मिन, यूसुफ, आयशा, जफर एंड नूरू, ये लोग हर महीने 50 से 60 टन ड्रग्स अमानुल्लाह खान से खरीदा करते थे। हमें उन्हें ढूंढना होगा और उनका सफाया करना होगा। आप स्नान, शाम की आरती, पूजा सब खत्म करके मंदिर के लिए निकल जाते थे, आज क्या हुआ जी आप इतनी देर तक सोए हैं? शिबू ने आपकी बात नहीं मानी इसलिए आप परेशान मत होइए। आपके बाद शिव का प्रसाद देने वाला कोई नहीं है तो क्या हुआ? शिव अपने भक्तों के लिए खुद ही अपना रास्ता निकालेगा। मैं कब से बोले जा रही हूँ लेकिन आप जवाब ही नहीं दे रहे, क्या हुआ है आपको? ए जी सुनिए, सुनिए, ए जी सुनिए, सुनिए ना शिबू। व्हाट? ऐ रुद्रा, शरीर से मुक्त हुआ जीव आत्मा तेरी ओर प्रस्थान कर चुका है, उसे तू मुक्ति दिला। वापस जा रहा हूँ माँ, यहाँ की सारी विधि संपन्न करने के बाद तुम भी मेरे पास आ जाना माँ। पापा नहीं रहे तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी माँ? दद्दू आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? अगर माँ मेरे पास आ जाएंगी तो इन्हें अपने दुख दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। हमारी सोच जैसा अगर सब कुछ होता तो दर्द से हर किसी को छुटकारा मिलता, संसार में हर कोई हंसी खुशी के साथ जीवन बिताता। ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आना हमारे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं। इतने सालों तक यहाँ रहे हम इस मंदिर और जगह को नहीं छोड़ सकते, यही हमारा अस्तित्व है। तेरे पिता को गुजरे हुए अभी 3 दिन भी नहीं हुए और तू अपने फर्ज को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा है। वहाँ सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है दद्दू, मेरा जाना जरूरी है। देखो बेटा, पिता के वचन का पालन करने के लिए वन में गए श्री राम जी जैसा तो तू नहीं बन सकता। माता पिता को कंधे पर ले जाने वाला श्रवण कुमार जैसा महान बेटा भी तो तू नहीं बन सकता। बेहतर है कि तू चला ही जा।
अरे सुनो भाई जी, आपके लिए खुशखबरी है, वर्षों से जो आपका दुश्मन बना बैठा था वो परमेश्वर पुजारी सीधा कैलाश चला गया। इतना ही नहीं, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बेटा ये कहकर विदेश चला गया कि मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है। इतना अच्छा मौका हमें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, छीन लेना चाहिए उसे। तेरे माथे पर लगाया हुआ मेरा ये भस्म, मेरी किस्मत में लिखी हुई मंदिर की वो जमीन मुझे वापस ला कर देगा। आज के बाद उस मंदिर का यही उत्तराधिकारी है और यही वारिस है। हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जिसके लिए तुम हमें ऐसी सजा दे रहे हो? सदियों सदियों से काल भैरव बने हुए हो, हम श्रद्धा से तुम्हारी सेवा करते आ रहे हैं और तुम्हें जरा भी चिंता नहीं। तुम हमसे ये अपनी सेवा का सौभाग्य क्यों छीन रहे हो? बताओ भगवान बताओ, अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? पिछले 4 सालों से इसी मंदिर में सहायक पुजारी बनकर सेवा करने वाले पुजारी को हम मठाधीश की कुर्सी पर बैठाने जा रहे हैं। असंभव, वो कार्य इनके वंशजों का है। पुराने मठाधीश का पुत्र हुआ तो क्या हुआ, हम इसे अपना मठाधीश नहीं मानते। इसमें उस पद के लिए कोई योग्यता है क्या? मैं ही अगला बार इसमें ऐसा कोई दावा ठोकने के लिए। ये कोई तुम्हारे पूर्वजों की जागीर नहीं है। सिर्फ जागीर की बात होती तो मैं उसे छोड़ देता, ये अस्तित्व की बात है, हमारे पूर्वजों का अस्तित्व। उस स्थान में बैठने के लिए तेरी क्या औकात है, तुझमें क्या योग्यता है? तुम्हें क्या जानना है पूछो। ऐसा क्या गुरुजी, सारी जनता के सामने ये परीक्षा हो जाए, अभी की अभी फैसला हो जाएगा। हमारे धर्म में देवालय मतलब एक सशक्त व्यवस्था है। यहाँ सिर्फ विश्वास पर ही सब कुछ नहीं चलता। मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक, हमारे कुल देवता से लेकर अंतिम पंक्ति तक, पग पग पर नियम शास्त्र का अंश होता है। दैवीय शक्ति को केंद्रित करने के लिए सिर्फ मान लेने या भावना को पालना ही काफी नहीं होता, उसके लिए ऋषियों के दिए हुए ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। अर्चना करने वाले की प्रार्थना अगर सही है तो तबेले का पत्थर भी शिव बन जाता है, लेकिन पूजा में अगर रत्ती भर भी चूक हो तो शिव को शिला बनते देर नहीं लगती। संसार के मोह माया में भटके हुए तुम हजारों साल का इतिहास रचने वाले इस मंदिर में किस तरह मठाधीश का कार्य संभालोगे? मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे धर्म को चोट पहुंचे। स्वधर्मे निधनम श्रया, ऐसा गीता में लिखा है। नित्य अनुष्ठान और पूजा अर्चना में किसी तरह की कोई चूक नहीं होगी, ये वचन मैं देता हूँ। खुशी की बात है, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, फिर तुम मठाधीश का कार्य कैसे कर पाओगे?
भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणान्ते वर्तते कामकार्ता हन्ता। ये 14वें अध्याय में कहा है उन्होंने। शास्त्रों के ज्ञान के बिना मन मुताबिक उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है। क्या ये पता है तुम्हें? ये 14वें अध्याय में नहीं बल्कि 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है। इच्छा शास्त्र विधि मुतसंजे वर्तते काम करतः न सस्यति मवापनोति न सुखम न परांगतम कहकर। शास्त्र के विधान को छोड़कर जो कोई अपनी इच्छानुसार पाठ करेगा उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, सुख प्राप्त नहीं होगा और न ही परम गति प्राप्त होगी। इसका तात्पर्य यही है। अब सुनिए 24वां श्लोक। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्य कार्यो व्यवस्थितौ यात्पर शास्त्रम् विधानुतम् कर्म कृतम् निहर्वशी। इसका अर्थ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र के आधार पर इसका निर्णय होना चाहिए। अपनी सुविधा हेतु कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान ने इसी सत्य को प्रतिपादित किया है। वो सब तो ठीक है, सही कर्मों को कौन सा धर्म शास्त्र प्रमाणित करता है क्या तुम्हें पता है? उस शास्त्र में विशेष 3 विधियां हैं, निगम आगम स्मृति। निगम का मतलब है वेद, आगम का मतलब है धर्मशास्त्र, स्मृति का मतलब है मंत्र तंत्र विज्ञान। सारे कर्मों का निर्माण प्रतिस्थापना अर्चना सारे विधि विधान आगम शास्त्र के अनुसार ही होने चाहिए। निगम मंत्रों का उच्चारण अगम जैसा ही होना चाहिए। जिस कार्य का निर्माण अगम शास्त्र के अनुसार हुआ है उसी विधान के अनुसार पूजा अर्चना होनी चाहिए। हमारा देवालय शिवालय के अनुसार ही बनाया गया है और हमारे शिवालय मुख्यतः 28 प्रकार के होते हैं, कारण कामिका, योग चित्त, दीप, सूक्ष्म, सहस्रा आदि आदि। हमारा मंदिर कारण कामिका पद्धति से बना है, उसके लिए माता की आराधना और श्री चक्र की स्तुति श्री विद्या के संप्रदाय के अनुसार ही होनी चाहिए। शिव के अनुसार पंच ब्रह्मा मतलब कौन है? शिव का पंचमुख भी पंच ब्रह्मा है। उनके नाम है सद्य ज्योता, वामदेव, अघोर, तत्पुरुषा ईशान, और इन 5 मुखों से ही न म शी वा यह नमः शिवाय से ही पंच अक्षर मंत्र उत्पन्न हुआ है। इन 5 मुखों को चैतन्य देने वाला शिव ही पंचमुख होकर संसार का नायक है। अच्छी बात है। और एक छोटा सा प्रश्न, शिवम राज कौन है? कोई कले नहीं, किसी का वध नहीं, असत्य वचन नहीं, कोई अहंकार नहीं, किसी का उपहास नहीं, स्वयं की प्रशंसा नहीं, औरों का अपमान नहीं। यही आत्मशुद्धि है, यही भैरव की सिद्धि है और यही है परमपिता परमात्मा की अमृत वाणी। ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले और भेदभाव का तिरस्कार करने वाले, सब में समानता लाने वाले 12वीं शताब्दी में पैदा हुए वसवाराज जी के बारे में ही आप पूछ रहे थे क्या? बिल्कुल। सनातन धर्म ने ही मूर्ति को पूजने के प्रथा की शुरुआत की थी। तब से शिव के आगे बैठे हुए हैं नंदी महाराज, उसके बारे में बताओ। नंदीश्वर शिव पुराण के अनुसार शिला के आगे बैठकर तपस्या करने के फलस्वरूप शिव के ही अंश से अवतरित हुए हैं। ऋषि मुनियों के वेद वाक्य के अनुसार ही धर्म के 4 स्तंभ हुए हैं, सत्य, अहिंसा, शुचि, धर्मपद संपादन। इन 4 स्तंभों पर ही धर्म की सच्चाई टिकी है। इन्हीं ने हम सबको ज्ञान दिया है। धर्म का श्रद्धा से पालन करने पर ही ईश्वर प्राप्त होता है। नंदी महाराज के दर्शन के बाद ही शिव की पूजा होनी चाहिए। धर्म का रक्षक ही भगवान है। भगवान को देखकर सत्य आचरण करना ही धर्म है। शिव पर दृष्टि रखने वाला भक्त आनंद स्वरूप होता है और वो आनंद स्वरूप ही नंदी महाराज है। मानता हूं, भस्म धारण 3 रेखाओं में ही क्यों होता है? उसे आड़ा खींचने का कारण क्या है? अग्निमिति भस्म, चलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, भस्म व्योमिति भस्म जैसे वेद मंत्र भस्म को स्थापित करते हैं। अग्नि सारा भस्म वर्चस्व को, तेज को, आयुष, रक्षा, पवित्रता और शांति प्रदान करता है। भस्म भाषणात् भसितम प्रोक्तम भक्षकिल भक्षणात्, इसका अर्थ स्मृति व्याख्या। प्रकाश स्वरूप, पाप का नाश करने वाली है भस्म। ओंकार में आकार, ओंकार मकारों को ऋग्वेद, साथ ही यजुर्वेद और सामवेद को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी का प्रतीक मानकर भस्म की 3 रेखाएं माथे पर लगाई जाती हैं। माथे की लिखावट को शुभ बनाकर उसे परिवर्तित करने की शक्ति भस्म में होती है। आने वाले संकट का संकेत होता है। ललाट की रेखाओं के अनुसार ही भस्म को भी आड़े रूप में लगाया जाता है। धर्मस्य जयस्तु, अधर्म नाशस्तु, शिवो रक्षितो शंभो शंकर, हर हर महादेव।
शिवम बेटा। हाँ माँ। मेरा जन्म सार्थक हो गया बेटा। बड़े बड़े विद्वान लोगों के पूछे गए सवाल, निगम, आगम, भगवत गीता, वेद और पुराण, अर्चना, विधि विधान, सब कुछ तुमने इतने सरल तरीके से कहा है। इसका मतलब भगवान शिव ने ही मेरी कोख से जन्म लिया है। आज मैं धन्य हो गई बेटा। माँ, तुम ही मेरी प्रथम गुरु हो। जब तुम तुलसी तुलसी दुर्गा भद्रा कहकर वृंदावन की परिक्रमा करती थी, तब मैं तुम्हारी हर बात सुनता था। जब मैं तुम्हारी गोद में बैठता था, उस समय तुम्हारी सुनाई पौराणिक कथाएं मुझे आज तक याद है। दद्दू मुझे अपने सामने बैठा कर गीता का सार, वेद, उपनिषद, शिव पुराण सुनाते थे। मैं खेल खेल में ही उसे याद करता था माँ। दद्दू संध्या के समय मुझे गायत्री मंत्र सुनाते थे, जिसे मैं कविता की तरह याद कर चुका था। संसार के किसी भी कोने में जाता हूँ, वहां पर भी मैं संध्या वंदन करना कभी नहीं भूलता माँ। हमारे पूर्वजों का वो मंदिर हमारे लिए अमूल्य धरोहर है, और शिव की सेवा ही हमारा धर्म है। अगर कोई छल कपट से उसे छीनने का प्रयास करेगा, तो मैं ऐसा कदाचित नहीं होने दूंगा। शिवम बेटा, इस घर का बड़ा बेटा बनकर हमारे वंश का ही नहीं, बल्कि तुमने परंपरा की भी रक्षा की है। पितरों को हर वर्ष पिंड दान करने से कहते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नहीं, आज तुमने भगवान की सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाया है ना, इसीलिए आज उन सभी आत्माओं को सच में शांति मिली होगी। तेरा पिता कहता था तेरे कदम कहीं पर भी नहीं टिकते हैं, लेकिन आज उस भगवान के चरण में तुझे सदा के लिए स्थान प्राप्त हुआ। उस शिवा के पास आज तक एक ही नंदी था, लेकिन आज के बाद दो दो नंदी है। तू दूसरा नंदी है बेटा, तू दूसरा नंदी है। हम लोग क्या क्या सोचे थे, क्या क्या प्लान बनाए थे, सबका सत्यानाश हो गया। बिना वारिस के मठाधीश की जगह पर आपने अपने आदमी को बैठाना चाहा, तो वो भी मिट्टी पलीद हो गई। कुल्लेल से निकला पत्थर निशाने पर लगे, तभी किसी ने ताली बजाकर सारे पंछियों को खेत से उड़ा दिया। अब उसे नहीं जीना है, उसे जीने का अधिकार नहीं है। कुछ ऐसा करो कि वो खुद इस पद को छोड़कर चला जाए। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसके बाप के मुंह में मिट्टी हम ही लोगों ने डाला है। मंदिर की चाबी, गर्भगृह की चाबी, खजाने की चाबी, सेवा सत्कार से लेकर भगवान के आभूषण तक का हम लोगों ने डुप्लीकेट बना रखा है। इस हाथ से निकाल कर इस हाथ में रख दिए तो सब खत्म। मंदिर के तमाम जागीर और जेवरात के मालिक हम ही हैं, हम ही हैं मालिक भूतनाथ। विदेशों में घूमने वाला शिवम राज इतना बड़ा विद्वान होगा, ये बात मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। वो अपने बाप से भी दो कदम आगे है। सही कहा। तुमने देखा नहीं, इतने साल इस गांव से दूर रहने के बावजूद वो कैसे उस दिन पैक कर रहा था। जो भी हो, अभी हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, वरना पासा कहीं उल्टा ना पड़ जाए। बिल्कुल सही। जब तक परमेश्वर पुजारी जिंदा था, तब तक हम में से किसी को भी चैन से नहीं रहने दिया। उसके मरने के बाद ऐसा लगता है चोरों ने सीसीटीवी कैमरा ही चुरा लिया। साक्षात परमेश्वर के ही दर्शन हो गए। आप यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? नंदी महाराज केवल शिव की प्रतीक्षा ही करते हैं। हम भी वैसे ही हैं। हाँ। मंदिर की रक्षा करने के अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल। किसने कितनी चोरी की है और कहां कहां हाथ मारा है, अकाउंट्स देखने के बाद सब पता चल गया है। अरे रे 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 रे। भगवान के अकाउंट में बेईमानी करने वाले की आंखें चली जाती हैं। जो ईश्वर को धोखा देता है गुरुजी, उसके शरीर का एक भी हिस्सा सही सलामत नहीं रहता। ओ अच्छा। हाँ। तो फिर आप ठीक ठाक कैसे हैं? क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं कि हम इस मंदिर के हिस्सा में घोटाला करते हैं? हाँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ, एक छुट्टा पैसा, एक पैसे को भी नहीं छुआ मैंने। बिल्कुल, तुमने पैसों को नहीं छुआ, लेकिन रुपयों को निकला है, वो भी करोड़ों रुपए। तुम कहना क्या चाहते हो, हम लोग अकाउंट्स में एक एक पाई का हिसाब रखते हैं। अकाउंट्स क्या, मैं तुम्हें बताऊं, प्रसाद अभिषेक और दीपक के लिए 50 किलो घी, और वो भी किस मूल्य पर, 450 रुपए प्रति किलो, अर्थात 22,500 रुपए प्रतिदिन, एक माह का 675,000 रुपए और एक साल का 21,00,000 रुपया होता है। अकाउंट में तुम लोगों ने लिखा है 3.5 करोड़, इसका मतलब है तुम लोगों ने झूठ बोलकर 2,69,00,000 रुपया हड़पा है। इसके अलावा छोटी मोटी चीजों को मिलाकर होता है 30 करोड़ रुपया सालाना, लेकिन अकाउंट में तुम लोगों ने लिखा है 60 करोड़। तुम पुराने हो इसलिए अपमान नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखता हूँ। तुम लोग 30 करोड़ एक साथ मत भरो, 30 दिनों का समय देता हूँ,
एक करोड़ रुपए रोज के हिसाब से 30 दिनों में भर दो। और नहीं भरे तो? जब तक ये मेरे कंधे पर है मैं भगवान का पुजारी हूँ, लेकिन अगर मैंने इस अस्त्र को कमर से कस लिया करोड़ 30 दिनों में चुका दो, ऐसा हम सबको धमकी देकर गया है। वो खुशियाँ मनाओ कि अब तक वो सिर्फ अकाउंट की फाइलें देख रहा है। अगर उसने हमारी पुरानी फाइलें खोल दी ना तो हम तीनों जन हर 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 महादेव के पास पहुँच जाएंगे। अभी अभी तो उसने भगवा कपड़े कंधे पे डाला ही है, पाताल चले जाए तो भी नहीं छोड़ने वाला है वो। हमारी भलाई इसी में है कि हम टाइम पे पैसा लौटा दें। हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले तो शाम से कहता था हम इन्वेस्ट करेंगे, उससे हम करोड़ों कमाएंगे, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इसीलिए हमने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। नहीं दिए तो वो क्या बिगाड़ लेगा? उसे उसके बाप के पास भेज दिए तो अपने चेले लोगों को खंबा पिलाकर छोड़ दूंगा और चखने के लिए उसे पेश करूंगा तो मेरे चेले लोग उसकी बस हड्डियों का टुकड़ा छोड़ेंगे। हड्डियों का टुकड़ा ही चाहिए। करता था हाँ? क्या कर लिया तूने? क्या किया हाँ? वापस आ गया। अरे पिताजी ऐसे मारोगे तो मर जाएगा ये। इसकी बातों में आकर 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। सारे पैसे हड़पना चाहता था तू, अब देख क्या करते हैं। मारूंगा तुझे। देख लिया, ये काम तुम जैसे चिंदी चोरों के बस का नहीं है। इसके लिए तो किसी बड़े गिरोह को सुपारी देनी ही पड़ेगी।
फॉर्म पूरा चेक हो गया क्या? हो गया है भाई, सामने से हमें कंफर्मेशन में मिल गया है। अमाउंट का क्या हुआ? ट्रांसफर कर रहे हैं भाई। ओके, मुनीर कहाँ है? देखा, 100 साल तक नहीं मरेगा ये। मुंबई से एक डील मिला है भाई, एक पुजारी के लिए। इस तरह के चिल्लर डील में हाथ नहीं डालने का कितनी बार समझाया मैंने। करोड़ों का डील है भाई। एक पुजारी को टपकाने के लिए करोड़ों रुपए की डील? इसीलिए उसका फोटो फैक्स करने को कहा है। इंटरेस्टिंग स्नेक, जाके जरा चेक करो फैक्स आया है क्या। ओके। इस काम को करने के लिए मैं खुद ही जाऊंगा। मारने के लिए हमारे धंधे में पहली बार करोड़ों की सुपारी मिली है। निशाना चूकना नहीं चाहिए, निशाना सीधे उसके सर पर लगाना। जरा हम भी तो देखें ये करोड़ों की चीज है कौन। Shigaratho, Bhoojasun, Tejasun, Vilayatum, Tum, 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 T
विदेश में अपने देश का गाना सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। बहुत खुशी मिली है मुझे आपकी तारीफ। मवाली बॉय, तुम अपनी खुशी के लिए गाती हो या फिर महफिल की खुशी के लिए? दोनों के लिए। क्या है ना, ये मेरा पेशा है। यहाँ गाकर कितना कमा लेते हो? मुझे सिर्फ ले जाने का इरादा है या फिर खरीदने के इरादे से आए हो तुम? इरादा जो भी हो, अगर नहीं मानी तो उठा कर ले जाऊंगा। स्टाफ बनाकर रखोगे या अपने दिल में बसने का मौका दोगे? मेरे दिल में पैसे रहते हैं, चाहो तो उनके साथ खेल सकती है। बोलो, चिल्लर में खेलोगी या लाखों में? ऐसा क्या काम करते हो जो इतनी कमाई है? लोगों की जिंदगी का सौदा करता हूँ, तुम नहीं समझोगे। क्यों? स्नैक, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। अब देखो, बोल्ड होगा, बोल्ड बोल्ड बोल्ड। सिक्स सेंस है? नहीं, फिक्स सेंस है। अब कौन आएगा बताओगी? समीर। नो बेबी, खुशवंत आएगा। ग्राउंड पर प्लेयर्स मेरे कहने के मुताबिक ही आते हैं। वन बॉल टू गो, सिक्स रन्स टू विन, लास्ट विकेट। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, बॉल। वाओ, कम ऑन बेबी। यू टेल मी वन थिंग, इस मैच फिक्सिंग में तुम कितना पैसा कमा लेते हो? मैं गेम फिक्स करता हूँ पैसा कमाने के लिए, पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए। उन लोगों के लिए क्रिकेट ही सब कुछ है, और मेरे लिए पैसा। टीम जीतती है तो पूरा देश सेलिब्रेट करता है, और हार गए तो सभी मुंह लटका लेते हैं। और स्पेशली ये जो इंडियन प्लेयर्स हैं ना, उन लोगों को हार्ड कैश नहीं चाहिए और थ्रेटनिंग कॉल्स भी नहीं चाहिए। उनके होटल के रूम में चीयर गर्ल्स को भेजकर उसका हम फुटेज बनाते हैं, और फिर सारे प्लेयर्स हमारे इशारों पर नाचते हैं। मैं हूँ थर्ड अंपायर। तुम्हें इंडियन से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि इंडिया ने ही मेरे सिटीजनशिप को कैंसिल किया है, इसीलिए मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ का हर सिटीजन टेंशन, डिप्रेशन और सेपरेशन की आग में चलता रहे। पूरे देश भर में असली नकली के फर्क ना होने वाले फेक करेंसीज चलने चाहिए। पूरे इंडिया की आर्थिक स्थिति को मुझे छिन्न भिन्न करना है। देश का हर एक इंसान पैसे पैसे के लिए मोहताज बन जाए। वंडरफुल प्लान, डोंट वरी, तुम्हारी खातिर, उस देश के खातिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नेटवर्क और फोन कॉल्स का सारा डिटेल्स इस हार्ड डिस्क में है, बाद में फोन करता हूँ। मुझे क्या करना होगा? उसका फ्यूचर प्लान क्या है, उसे किस तरह एग्जीक्यूट करने वाला है ये जान लो। कल ही उसे और उसकी सारी गैंग को मेरी बताई हुई जगह पर ले आना। ओके ओके, बाय, टेक केयर। ओके बाय, मैं वैसा ही करूँगी जैसा तुमने कहा है। भाई, लास्ट मंथ सिर्फ नॉर्थ जोन का ही काम हुआ था, सिर्फ 200 करोड़ की ही रेवेन्यू जनरेट हो पाई है। भाई, इतना कम होने के बावजूद इस महीने का कंसाइनमेंट अभी तक नहीं आया है। सैमुअल, इब्राहिम, शेट्टी, वाहिद, अब तक किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया है। भाई, इसकी वजह अंडरवर्ल्ड में अलेक्जेंडर नाम के एक नए बंदे ने एंट्री लिया है। वो कहाँ से आया, पहले क्या करता था, उसकी पहचान क्या है, ये किसी को नहीं पता। वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जो काम किसी के बस का नहीं उसमें वो बेझिझक हाथ डालता है। फर्स्ट टाइम मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्टर्न माफिया, इटालियन माफिया, सबको उसने खुश रखा हुआ है। टनों के हिसाब से माल सप्लाई कर रहा है, वो भी कम रेट में। शॉर्टकट में लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहा है भाई। वो मार्केट को एकदम सस्ता करके हमें हफ्ता देने वालों को भी उसने अपने कब्जे में करने का प्लान बनाया। भाई, कल अगर उसका डील ओके हो गया तो भाई हम लोग मुश्किल में आ जाएंगे। अब तक जितने नेटवर्क को तुम एस्टैब्लिश करते आए हो, वो उसे अपने कब्जे में ले लेगा। उसे ऐसा मौका मत दो भाई, मैं ही उसे जाकर भून देता हूँ।
तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। स्नेक, यू आर राइट। हमारा कोई भी आदमी जाएगा तो वो अपना प्लान चेंज कर देगा, इसीलिए तुम्हारा जाना बेटर है। सप्लाई कर दिया है ना, अब चलो निकलो यहाँ से। ओ, जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, तो लो यही पेमेंट है रास्ते के खर्चे के लिए। मेरे दिए हुए माल के लिए और रास्ते के खर्चे के लिए ये कॉइन बहुत कॉस्टली है, थोड़ा सा चीप चाहिए था मुझे। और सबसे सस्ती तुम्हारी जान है। ट्रैफिकर्स, ड्रग डीलर्स, आर्म सप्लायर्स, सबको एक साथ बुलाकर मारा है। मतलब वो बहुत चालाक है भाई। हमारी कंपनी डूब रही है, पूरा नेटवर्क बिगाड़ दिया उसने। आप उसे नेगलेक्ट कर रहे हैं, तभी वो उछल रहा है।
मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे उसे एक बार देखना है। मीटिंग फिक्स करो। अलेक्जेंडर, मैं सोच रहा था तू कोई इटालियन अमेरिकन या फिर ब्राजीलियन होगा। उस दिन तू फिक्स किए हुए टाइम पर नहीं पहुंचा। उसी वक्त मैं समझ गया कि तू पक्का 99% इंडियन है। तो जैसे परदेसी लोग टाइम को फॉलो करते हैं और हम जैसे इंडियन को टाइम फॉलो करता है। रियल डॉन को देखने के लिए तू 10 मिनट पहले आया है। जरा अपनी घड़ी तो देख ले। एक छोटे मोटे गैंग को मार दिया तो अपने आप को बहुत बड़ा डॉन मत समझ। हाँ, इस माफिया नाम के सागर में कितनी ही मछलियां हैं, लेकिन इन सब के बीच खतरनाक शार्क मैं ही हूँ। फिर भी तेरी हिम्मत की दाद देनी होगी। इस डॉन को देखने के लिए तू अकेला आया है, वो भी बिल्कुल निहत्था। तुम जैसे डरपोक लोग अपने आसपास बॉडीगार्ड और गनमैन रखते हैं। मैं खुद एक हथियार से कम नहीं हूँ, तो मुझे गन की क्या जरूरत। मेरे एक फोन पर मैच फिक्स हो जाता है। कौन सी फिल्म में कौन हीरोइन होगी ये डिसाइड मैं करता हूँ। जहाँ चाहूँ जब चाहूँ बॉम्ब ब्लास्ट करवा सकता। लेकिन तेरे अंदर के गट्स और इंटेलिजेंस को देखकर ऐसा लगता है कि मुझे तुम जैसा एक साथी चाहिए। मेरे साथ आ जाओ, तेरे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। एक पते की बात कहता हूँ सुन। एक देश में एक ही राजा होना चाहिए, एक म्यान में एक ही तलवार होनी चाहिए और एक माफिया में एक ही डॉन होना चाहिए, जो कि मैं हूँ। वो तूने क्या कहा था कि इंडियंस को टाइम का सेंस नहीं है, ये सेंस नहीं है, वो सेंस नहीं है। जरा पीछे देख। हे, पुलिस। हम दोनों मिलने वाले हैं, ये खबर पुलिस को मिल चुकी थी, तो वो हमसे उलझने आ गई। हम दोनों में से जो बच निकलेगा वही कहलाएगा रियल डॉन। एस्केप। मुंबई अटैक, 1998 कोयम्बतूर में सीरियल ब्लास्ट, 2000 में रेड फोर्ट, 2001 पार्लियामेंट पर अटैक,
2002 Akshardham, Delhi. 2003 once again Mumbai attack. 2006 Varanasi blast. 2008 2611. इस तरह से पिछले 25 सालों से हमारे देश पर ही ऐसे अटैक पर अटैक क्यों होते जा रहे हैं? ये सब सिर्फ पिछले 25 सालों से नहीं हो रहा है सर, बल्कि पिछले हजारों सालों से हमारे देश पर आक्रमण होते आ रहे हैं। इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, बाबर, औरंगजेब, चंगेज खान से लेकर आजकल के जमाने में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अफजल गुरु, अजमल कसाब, यासिन भटकल, 7वीं शताब्दी से लेकर 21वीं सदी तक हमारे देश पर हमले होते आए हैं सर। पिछले दिनों हमारे देश पर जो हमला हुआ था उसके पीछे अमानुल्लाह खान का हाथ है सर। वो माफिया का खेल खेल रहा है तो हमें भी माफिया का खेल खेलना चाहिए। टेररिज्म का आंसर टेररिज्म ही है। नो अरेस्ट, नो जजमेंट, नो वीआईपी ट्रीटमेंट, ओनली फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सर। You can proceed. उस दिन तुमने खान को शूट करने के बाद उसके गैंग के बचे हुए लोग तुम्हें कहाँ मिलेंगे ये इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी। उन सबको फिनिश करने के बाद तुम इंडिया लौट आए। मैं भी निकलने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मुझे मुनीर मिला और बर्लिन रोम ले गया। वहाँ खान को दफनाने की तैयारी चल रही थी। सबसे शॉकिंग बात तो ये हुई कि मेरे सामने अमनुल्लाह खान की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उस डेड बॉडी पर अमनुल्लाह खान ही फूल चढ़ा रहा था। तुमने जिसे मारा वो उसका डुप्लीकेट था। मैंने तुम्हें ये बताने की पूरी कोशिश की बट इट डिडंट हैपन। ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। एग्जैक्टली। वो मर गया ये खबर बिल्कुल एक आग की तरह फैल गई। उसे हर कीमत पर अपनी मौत का बदला लेना था। वो तुम्हें माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसके दिल में बदले की आग बढ़ती जा रही थी। वो दुनिया के हर कोने में तुम्हें ढूंढ रहा था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, तुम्हारी मौत। कुछ दिनों के बाद उसे बिहारी गैंग से किसी को मारने की करोड़ों की सुपारी मिली। उनके भेजे हुए फैक्स को देखकर मैं पूरी तरह शॉक्ड हो गई। प्रीस्ट के गेटअप में वो तुम ही थे या कोई और, ये मैं नहीं समझ पाई। एक पल के लिए ऐसा लगा प्रीस्ट का गेटअप शायद किसी मिशन के लिए तुमने चेंज किया हो। मैं पूरी तरह कंफ्यूज थी। मैं किसी को फोन नहीं कर पाई। मैं पूरी तरह मजबूर थी। मुझे उस वक्त सिर्फ एक ही चीज सूझी कि उन्हें किसी भी हाल में तुम्हारी तस्वीर नहीं मिलनी चाहिए। फाइनली मुनीर तुम्हें मारने के लिए इंडिया आ रहा है। जैसे ही ये बात मुझे पता चली मैं किसी तरह वहाँ से निकल भागी और तुम तक पहुँचकर तुम्हें बचाना मेरा मिशन बन गया। इस इनकम्प्लीट ऑपरेशन को कैसे कंप्लीट करोगे? इसे आपको ही कंटिन्यू करना पड़ेगा सर। ये तुम क्या कह रहे हो? दरअसल बात यह है सर, पिताजी के स्वर्गवास के बाद मंदिर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। लेकिन ये भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल है सर। इस काम का चुनाव मैंने अपनी मर्जी से किया था, लेकिन मंदिर का काम मुझे अपने आप मिला है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और काउंटर टेरर अटैक में तुम कितने एक्सपर्ट हो ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। तुमने गिव अप कर दिया तो इस ऑपरेशन को कम्प्लीट कौन करेगा? मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ सर? इस काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक ऑफिसर है, लेकिन वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है सर। मैंने अपने घर वालों से वादा किया है, उन्हें प्रॉमिस किया है, अपना बचा हुआ जीवन मंदिर को समर्पित कर दूंगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों का वो मंदिर सदियों पुराना है जिसकी हिफाजत बहुत जरूरी है सर। आई एम वेरी सॉरी टू रिजाइन फ्रॉम माई जॉब सर। नमस्ते। अरे कैसे हो शर्मा जी? मैं ठीक। घर में सब कुशल मंगल? सभी लोग ठीक हैं। हाँ। आपका पोता रॉ का एजेंट है ये सुनकर बड़ी खुशी। ये लीजिए बाबूजी। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। आपके पोते के बारे में आपको पहले से पता था? अरे नहीं, लेकिन वो जो भी करता है अच्छा ही करता है। वो घर पे है क्या? मुझे उनसे मिलना था। वो ऊपर है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ मिल लो। जी ठीक है सर। मुझे आपको कुछ बहुत ही जरूरी बातें बतानी है। हाँ जरूर बताइए सर। आप रिजाइन करके आए हैं मुझे ये बात पता चली है, लेकिन उसे एक्सेप्ट ना किया जाए मैंने बड़े अधिकारियों से ऐसा रिक्वेस्ट किया है। उसका कारण ये है कि आजकल जो क्राइम चल रहा है उसे हम लोग कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मंदिर की जमीन पूरे 100 एकड़ तक फैली हुई है
और इस पवित्र जमीन पर चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग हो रही है, ऐसा कंप्लेंट आपके पिताजी ने दिया था, जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है सर। इस सारे काम के पीछे भूतनाथ का हाथ है सर। उसकी पहुंच सेंट्रल तक होने की वजह से हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं सर। आपने जिस तरह से इंटरनेशनल माफिया को धूल चटाया है, उसी तरह से इस केस को भी हैंडल करेंगे, तो हमारे डिपार्टमेंट को भी हिम्मत मिलेगी सर। आप एक काम कीजिए सर, इस ऑपरेशन के लिए मुझे 10 अच्छे काबिल ऑफिसर्स दे दीजिए। आगे क्या करना है ये मैं देखता हूं। देवस्थानों पर कब्जा, वो भी मेरे होते हुए देवस्थान पर नजर डालोगे? माथे पर भस्म लगाकर इस भूतनाथ की चौखट पर आखिर तू पहुंच ही गया। इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। दूसरों के माथों पर भस्म देखकर तेरे तन बदन में आग लग जाती है ना? ले जाओ इसे। शिवम जी, इतने वर्षों से गबन किया हुआ करोड़ों रुपया चांदी सोना हीरे जवाहरात सब लाकर हम फिर से मंदिर के खजाने में जमा कर देंगे। हमें अरेस्ट करके हमारी बेइज्जती ना करो माही बाबू। तुम लोग आस्तीन के सांप हो, देवालय की बदनामी ना हो इसलिए इस बार तुम पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। बेहतर होगा ये गाँव छोड़ दो। पांच घंटे से मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ गई थी स्नैक? हायर स्टडीज के लिए इंडिया आए हुए 300 जिहादी स्टूडेंट्स के रहने का इंतजाम करने के लिए मैं वहाँ गई थी। और कोई सवाल? तो ये स्नैक नहीं है, तुझे अंदाजा भी है कौन है? मेरे दिल का टुकड़ा है ये। ला, ला, गला, गला, ते मुझे ठोंक दूंगा तुझे। जानती हूँ इसने क्या देखा? ये जिस डील में तुम्हारे साथ गया था, वही पुजारी की सुपारी जो हमें मिली थी, जिसमें 4 करोड़ हमें मिलने थे, उसे पुजारी के रूप में एलेक्स मिला, जो हकीकत में शिवम राज है। जब बिहारी गैंग को लेकर ये शिवम राज को मारने गया तो तुमने ही आकर उसकी जान बचाई, ऐसा कहा इसने। मेरी दिलरुबा मेरे लिए अपनी जान दे सकती है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। बोलूं तो अभी जान दे देगी वो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद तो यही था कि तुझे मौत के घाट उतारूं, जिस दिन तू माफिया से टेररिज्म में टर्न हुआ, इंडिया पर अटैक शुरू कर दिए, उसी दिन शिवम ने तुझे टारगेट बनाकर एलेक्स बनकर यहाँ एंट्री ली, तेरी माफिया से तुझे ही धूल चटाई। तुम्हारे डुप्लीकेट के बारे में हमें देर से पता चला, इसलिए अब तक तेरी सांसें चल रही है। हेलो। ए, मेरे डुप्लीकेट को मारकर ये मत समझना कि तू जीत गया है। सारे इंटरनेशनल माफिया मेरे नाम से थर थर कांपते हैं, समझा? अच्छा सुन, तू एक काम कर, तेरे मरने के दिन बहुत करीब आ रहे हैं, इसलिए तू ऐसा कर कि सारे अंडरवर्ल्ड वालों को अपनी मौत की दावत दे दे। हाँ, कोई कमी मत करना, कोई कंजूसी नहीं, और उसके बाद तो निकल जाना, ठीक है ना? अबे अकल के दुश्मन, उससे पहले मैंने मंदिरा को क्यों मारा ये सवाल नहीं पूछेगा क्या? मेरा धंधा, मेरी इमेज, मेरा कारोबार, सब कुछ बर्बाद करके तू कहीं जाकर छुप जाएगा और मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तू इस गलत फहमी में जी रहा है क्या? मैं जिंदा हूँ ये जानने के बाद तुझमें मेरे सामने आने की हिम्मत ही नहीं है। मंदिरा की जान मैंने ली है ये सुनकर भी
बदला लेने के लिए तू मेरे पास नहीं आएगा। इतना बड़ा नामर्द है तू। इस मंदिर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर नहीं होती तो मैं वहाँ जरूर आ जाता। तेरे आने तक इंतजार करने का वक्त नहीं है मेरे पास। अबे तुझे तो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद आ रहा हूँ। जिस मंदिर के लिए तू अपनी नौकरी छोड़कर इस्तीफा देकर दुबक कर बैठा है ना, वहीं पर आकर मैं तेरे साथ उस मंदिर को शमशान बना दूंगा और तुझे भी वही गाड़ दूंगा। तेरी तो चुप बे शैतान की औलाद। तो जैसे लोग सदियों से वही काम करते आए हैं, मंदिर तोड़ो और खुद को महान समझने की गलती करो। कभी खुद का तो कुछ नहीं बना सके। अगर तुझ में वाकई इतनी हिम्मत है तो आजा, आजा सामने। ज्यादा मत भाग। मंदिर उड़ाना तो दूर की बात है, सिर्फ यहाँ की एक ईंट को छू के दिखा। आ रहा हूँ तेरे पास। टाइम पर हम लोग पहुंचे हैं। उसके हवन खत्म करने से पहले ही पूरे मंदिर को धूल में मिलाकर उसे यहां घसीटते हुए ले आओ। उसकी समाधि में यही बनाऊंगा। जाओ। शिवमराज, तूने मुझे चैलेंज किया था ना कि इस मंदिर की एक ईंट भी छूकर नहीं दिखा सकता, वो भी इस अमानुल्लाह खान को। ये खान क्या क्या कर सकता है अब तू देखना। विश्व शांति के लिए ही हवन कर रहा था। hey! क्या कहा था तू मंदिर को धूल में मिलाएगा? हाँ, त्रिनेत्र तक पहुंचने से पहले तुझे इस नंदी महाराज को पार करना होगा। आजा। Yeah.
कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संस्था प्रवर्तते ये एक कान से, अल्लाह अकबर का अजान दूसरे कान से सुनने वाले, इस भूमि के लिए अपनी जान देने वाले हिंदुस्तानी हैं हम। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की भावना को ठेस पहुंचाने वाले तुझ जैसे आतंकवादी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी धरती का कोना कोना, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हर किसी का फर्ज है कि उसे अपने गले से लगाकर एक पवित्र भूमि माने। मंदिर हो या मस्जिद, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा, या फिर कोई भी धार्मिक पूजा स्थल क्यों ना हो, हर स्थान पवित्र होता है। उसकी रक्षा करना हर इंसान का कर्तव्य है। धर्मो रक्षति रक्षितः।